अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर टीचर रुबाब मलिक हेयर। सो हम अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे और उसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया प्रोटीन के टॉपिक का, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। सो हम वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं। कैरी आउट सेल एक्टिविटीज़, यानी कि प्रोटीन्स का काम क्या है कि जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें हेल्प आउट कर रही है, वो कैरी आउट करवा रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करवा रही हैं। अब किस तरीके से, एज आ क्या क्या करके वो तमाम एक्टिविटीज़ सेल की कैरी आउट कर रही हैं, तो उसमें हम देखते हैं फॉर्म मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब अगर आप रिकॉल करें तो जैसे ही हमने प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम सेल के ड्राई वेट की बात करते हैं तो कितने परसेंट जो सेल का ड्राई वेट है उसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो आप रिकॉल करें कितने परसेंट था, दैट वॉज 50%। ठीक है, कि अगर हम सेल में से पानी निकाल दें तो पीछे जो ड्राई वेट सेल का बच जाएगा उसमें 50% ड्राई वेट में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली वो मेन कॉम्पोनेंट हो गई आपके सेल का और जो सेल की बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को करवा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एस्टिमेटेड टिपिकल मेमेलियन सेल। एक मेमेलियन सेल की हम बात करते हैं अगर, तो उसके अंदर हमारे पास 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि प्रोटीन्स की या प्रोपॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती हैं आपके पास, कि अमाइनो एसिड जो कि टोटल कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट तरीके से आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम ए बी सी की बात करते हैं, ए टू जेड हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं, वो डिफरेंट तरीके से जुड़ते हैं और क्या करते हैं, आपके पास बेतहाशा वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से 20 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। सही, तो हमारे पास एक हम मेमेलियन सेल की बात करते हैं, एक टिपिकल मेमेलियन सेल की, तो उसमें हमें 10,000 तरह की प्रोटीन्स मिलती हैं। ठीक है, यानी वो 10,000 अलग अलग तरीके से आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी आपके प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती हैं सेल को। अब कैसे प्रोवाइड करती हैं, जब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है ये हमारा सेल है, हमने क्या कहा कि इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और जब हम इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लिपिड बाईलेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स इस तरह मौजूद हैं जैसे एक सी में आइसबर्ग मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ आपके पास, तो ये हमारे पास हो गया, ये मैं आप बिल्कुल एक रफ स्केच के तौर पे मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि आप इसको प्रॉपर जो प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ये जो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है जो दिया था, ये आप अपने चैप्टर नंबर 4 सेल में पढ़ेंगे और वो चैप्टर आप बॉटनी में कवर करेंगे तो डिटेल में आप ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, ये मॉडल स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ प्रोटीन्स बता रही हूँ कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं और वो क्यों हम कह रहे हैं कि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ये हो गया आपके पास दो लिपिड बाइलेयर, यानी दो लेयर्स बाइलेयर, ठीक है, दो लेयर हो गई लिपिड्स की और इसमें हमारे पास इस तरीके से इसकी कहीं सरफेस पर और यहाँ कई बार यूँ अंदर की तरफ भी क्या मौजूद है, ये आपके पास मौजूद होती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, बाहर मौजूद होती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं, अंदर जो मौजूद होती हैं या यहाँ बीच में जो इस तरह मौजूद होती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं, यानी अंदर और बाहर के नाम पर। ठीक है, ये मैं अभी लेबल नहीं कर रही हूँ कुछ भी, क्योंकि अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से वो आपको सेल मेम्ब्रेन जो है, हम जो बात करें मैकेनिकल सपोर्ट की, तो कैसे प्रोटीन्स मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं आपके सेल को, तो क्यों, क्योंकि सेल का जो आउटर मोस्ट जो आपकी बाउंड्री है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है वही किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड से और साथ साथ प्रोटीन से। तो ये आपके पास क्या मौजूद है, ये बनाइए जो मैंने, ये प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली जब एक चीज़ की बाहर की चीज़ ही में ही हम कह रहे हैं कि प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली वो क्या कर रही हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं। तो बिल्कुल ये तो मैंने आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिकली बात की, सेल मेम्ब्रेन की। जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी बात करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड है या जितने भी हमारे पास सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, मोर और लेस उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसी तरीके का है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी प्रोटीन हमारे सेल को, हमारी बॉडी को क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक फ्रेमवर्क दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या चीज़ हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं आपके पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी वो सब्सटेंस, कोई भी वो केमिकल जो क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसका रेट बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस जल्दी हो जाएगा,
प्लस जो हमारा एंजाइम है यानी जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो खुद उसमें कोई असर नहीं डालेगा। ये बिल्कुल आप कॉमन ऐसे लीजिएगा जैसे घर में कभी हम कोई खाना बना रहे होते हैं तो उस खाने में हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे गोश्त नहीं गल रहा, तो उसके कितने सारे टोटके आप ये डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। उस टाइम वो चीज़ क्या कर रही होती है, एज अ एंजाइम एक्ट कर रही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो रिएक्शन को क्या करवा रही है, तेज़ करवा रही है। तो यहाँ जब हम एंजाइम की टर्म को, इसलिए हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये तेज़ करवा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक की टर्म से आप अवेयर हैं अब, और इसे याद रखिएगा, टर्म्स हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मोर और लेस आपने कहीं भी वो पढ़ी हो, आगे जब वो आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है। उससे आपको आसानी ये रहेगी कि आप कभी खुद भी डेफिनेशंस बना सकेंगे और किसी भी टॉपिक के बारे में आप खुद भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, टूटने और बनने का अमल, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलरली हम एनाबॉलिज्म की बात करेंगे यानी बनने के अमल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बनने के अमल के दौरान कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, ठीक है। तो टूटने से के बाद कोई चीज़ बनती है, क्लियर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसको एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। अब एंजाइम्स बेसिकली क्या हैं, तो एंजाइम्स एक तरह की प्रोटीन्स ही हैं, यानी एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। वो डिटेल में जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें भी हम इसके साथ पढ़ेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड वे में जब हम सिर्फ बात करते हैं तो हम कहते हैं एंजाइम्स क्या हैं, एक प्रोटीनियस नेचर रखते हैं और वो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, ठीक। तो प्रोटीन जो हैं वो एज एन एंजाइम क्या कर रही हैं, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को तेज़ कर रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम एज हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स आप कहलाते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो फौरन से हमारे माइंड में आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कि भाई ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को मैसेज भेजता है और हम वो काम करते हैं। लेकिन उस नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ दूसरी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं, उन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हमारे हॉर्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे ब्रेन से जो मैसेज जाता है वो इम्पल्स की फॉर्म में जाता है, तो वो क्या है, इम्पल्स जो है हमारी बॉडी को मैसेज देती है, तो उसके मैसेजेस जो हैं वो इम्पल्स की फॉर्म में जाते हैं। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके मैसेजेस जाते हैं किसकी फॉर्म में, हॉर्मोन्स की फॉर्म में, ठीक है। अभी हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे हैं हॉर्मोन्स कितनी तरह के होते हैं, क्या उनके कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ अभी उसका कोई काम नहीं है। हम सिर्फ अभी किस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि प्रोटीन्स किस किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन कैसे हैं, एज अ हॉर्मोन्स भी, एज अ ग्रोथ फैक्टर्स भी, और जीन एक्टिवेटर्स के तौर पर भी क्या कर रही हैं, हमारे बॉडी में हेल्प कर रही हैं। ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि क्या करवाएंगी, ग्रो करवाएंगी आपकी बॉडी को। हम कहते हैं ना कि जितना आप प्रोटीनियस डाइट लेंगे, जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी उतनी आपकी बॉडी क्या करेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी, ठीक है। यानी आप छोटे बच्चों को आप अच्छी डाइट दें, फुल हेल्दी बैलेंस डाइट दें, यानी सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं लेकिन जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं बेसिकली, उसमें अगर बच्चों को वो रिक्वायरमेंट्स ना मिलें जो कि उनकी बॉडी की को ज़रूरत है बढ़ने के लिए, तो क्या होता है, कभी उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, कभी वो उनके मसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, या कोई भी उनके साथ जो है वो हो जाता है, कोई ना कोई पार्ट जो है कहीं ना कहीं वो सही से डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर उनको बैलेंस और हेल्दी डाइट नहीं मिलती है। तो ग्रोथ फैक्टर्स के तौर पर भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस जीन एक्टिवेटर्स। जीन क्या है आपके पास, जीन आपके सेल में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, डीएनए पर। बेसिकली हम जीन को क्या करते हैं, हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो यूनिट हैं जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब जीन एक्टिवेटर की बात करें हम, तो यानी जीन जो है वो हमेशा एक्टिव कंडीशन में नहीं होते हैं, कभी स्विच ऑन होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं, दैट इज़ अनदर डिटेल्ड, ये एक टॉपिक है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ इतना कंसिडर कीजिएगा, जीन एक्टिवेटर्स यानी आपकी जो हमारी जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी, हमारी सेल के अंदर, उनका एक काम ये भी है कि वो जीन को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं ताकि जीन अपना फंक्शन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। अब फिर से आप ज़रा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की तरफ आइए, देखिए जैसे ये आपके पास क्या बनी हुई है, प्रोटीन्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये कहाँ मौजूद हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली, ये पार्ट आप समझ लें
कि ये जो है ये इतने से पार्ट को, इस लाइन को मैंने ऐसा कर दिया है, तो इस लाइन का स्ट्रक्चर बेसिकली ये है। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करती है, यानी कि इस सेल के अंदर, यहाँ सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर आएगी या सेल से बाहर जाएगी तो उसके लिए उसको क्या करना है, इस मेम्ब्रेन से गुजर कर जाना है। और ये मेम्ब्रेन जो आपकी है इस पर मौजूद है प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स अलाउ करती हैं कि आया वो चीज़ सेल के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। सेमी परमिएबल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी सेल के अंदर आना और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स के तौर पर काम कर रही हैं, ठीक। उसके बाद है हमारे पास एक्ट एज एंटीबॉडीज, एंटीजेंस एंड फिब्रिन। अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ ये क्या चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। उसे पता है ये मेरे सेल हैं, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ बाहर से आती है, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है, उसके खिलाफ रिस्पोंड करती है। तो वो उस अननोन सेल को फौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे बॉडी के सेल्स। अब वो कौन से सेल्स हैं, वो क्या चीज़ हैं, वो बेसिकली यही हैं, ये एंटीजन प्रोटीन्स हैं। यानी हमारे ये जो एंटीजन प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में हमारे जो ब्लड है WBCs हैं हमारे उन पर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स का काम क्या है, ये फौरन से क्या करेंगी, जैसे ही देखेंगी कोई और हमारी बॉडी में कोई नई चीज़ आ चुकी है, फौरन से उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़, जो कि एक और तरह की प्रोटीन्स हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के दरमियान फिर क्या हो जाता है, हमारे पास रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें, और जब हम पिछले फर्स्ट चैप्टर पर जाएँ, हमने वहाँ पढ़ी थी एप्लीकेशंस, पढ़ी थी बायोलॉजी की, राइट। तो वेल, तो उन एप्लीकेशंस में हमने देखा था, हमने एक पॉइंट स्टडी किया था इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन, कि हम वैक्सीनेशन के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को इम्यून करते हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इम्यूनिटी यूँ आ जाती है कि जब भी हम कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी को देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ़ौरन से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स मौजूद हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में था तो हमारी बॉडी को कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्या हैं, बन चुकी हैं। अगली बार जब वो चीज़ हम पर अटैक करती है तो वो हमारे लिए न्यू नहीं होती, हमारी बॉडी में पहले से उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, तभी वो चीज़ हम पे असर नहीं करती। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर बीमारी या हर चीज़ की वैक्सीनेशन अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, एक तरह से प्रोटीन है। द सेम विद द थर्ड वन, फिब्रिन, ये आपके पास ये भी एक तरह की प्रोटीन है जो आपको हेल्प करती हैं, बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से क्लोटिंग में आपको हेल्प करती है, प्लेटलेट्स में, जिस तरह प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करवाना, इस तरीके से ये प्रोटीन मौजूद होती है जो आपके ब्लड को क्लोट करवाती है, फिब्रिन प्रोटीन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर हमारा प्रोटीन का टॉपिक एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स।